अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे डियर स्टूडेंट्स कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में आज हम फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल केस को डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स आज हम मौलवी तमीज़ुद्दीन वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान पी एल डी नाइनटीन फिफ्टी फाइव एफ सी टू को डिस्कस करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स एक्चुअली 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो उस वक्त गवर्नमेंट इंडियन एक्ट 1937 और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में सर्टेन अमेंडमेंट्स के बाद एज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन जो है अडोप्ट किया गया एक्चुअली ये टेम्परेरी या इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन था डियर स्टूडेंट्स एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेम्बली बनाई गई इसके ज़ुम्मा दो काम लगाए गए थे फर्स्ट टू सर्व एज अ फेडरल लजस्लेचर आर फेडरल कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली एंड सेकेंडली टू फ्रेम आवर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट डियर स्टूडेंट्स अगर हम अपने इस फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल केस मौलवी तमीज़ुद्दीन वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के बैकग्राउंड फैक्ट्स देखें तो डियर स्टूडेंट्स एक्चुअली गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद साहब ने 1953 को अंडर आर्टिकल 10 ऑफ इंडियन एक्ट 1935 जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली थी उसको डिसॉल्व कर दिया और एक नए प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद अली बोगरा साहब को बना दिया इस वक्त मोहम्मद अली बोगरा साहब एज अ डिप्लोमेटिक रिप्रेज़ेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान इन यू एस ए में थे अब डियर स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन आर्टिकल टेन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट नाइनटीन थर्टी फाइव गवर्नर जनरल के पास इख्तियार था कि वो इसम्बली डिज़ोल्व कर सकता है या वज़ी अज़म को डिसमस कर सकता है लेकिन यहाँ पर गवर्नर जनरल ने इसम्बली बर्खास्त किए बिना ही सिर्फ वज़ी अज़म को डिसमस किया और नया वज़ी अज़म मोहम्मद अली भोगरा साहब अपॉइंट कर दिया अब नए वज़रम मोहम्मद अली बोगरा साहब ने वज़ी अज़म बनते ही कुछ तरामीम की गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट नाइनटीन थर्टी फाइव में और आर्टिकल टेन ऑफ गवर्नमेंट इंडियन एक्ट नाइनटीन थर्टी फाइव को ख़त्म कर दिया और एक नया आर्टिकल टू टेंटी थ्री करवाया एक्चुअली अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताऊँ तो 223 ए जो था वो एस्टेब्लिश द रिट द कोर्ट यानी कोर्ट के दायरा इख्तीार को बढ़ाया गया डियर स्टूडेंट्स उस वक्त ये कन्वेंशन थी कि कोई भी बिल पास करवाना हो या किसी भी अमेंडमेंट के लिए गवर्नर जनरल की असेंट जरूरी थी लेकिन ये तरमीम जो मोहम्मद अली बोगरा ने करवाई इस पर गवर्नर जनरल ने अप्रूवल नहीं दी अब यहाँ पर गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद और वज़ी अजम मोहम्मद अली बोगरा के दरम्या इख्तलाफात पैदा हो गए इन तरामीम को लेकर इसी बिना पर गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने ट्वेंटी अक्टूबर नाइनटीन फिफ्टी फोर को ये असम्बली और वाज़ज़म जो था इसको भी बर्खास्त कर दिया ये जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली थी इसको बर्खास्त कर दिया डियर स्टूडेंट्स गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने असम्बली बर्खास्त की और फिर नए इलेक्शन करवाने की बजाय इन्हीं मिनिस्टर्स में से अपनी मर्जी की एक कैबिनेट बनाई जिसको कौंसल ऑफ मिनिस्टर्स कहा गया जो कि मुलक की बाग दौड़ संभालेगी डियर स्टूडेंट्स गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने जैसे ही असम्बली बर्खास्त की उस वक्त मौलवी तमीज़ुद्दीन असम्बली के प्रेसिडेंट थे इस तरह मौलवी तमीज़ुद्दीन की प्रेजिडेंटश भी ख़त्म हो गई तो मौलवी तमीज़ुद्दीन ने कोर्ट ऑफ लॉ सिंध चीफ कोर्ट में इस डिसमिसल को चैलेंज कर दिया मौलवित मिजुद्दीन ने जो रिट पटिशन दायर की वो रिट ऑफ मैंडमस एंड रिट ऑफ क्यू वारंटो की बेस पर दायर की गई थी डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा रिट ऑफ मैंडमस एंड रिट ऑफ क्यू वारंटो के बारे में बताता चलता हूँ डियर स्टूडेंट्स रिट ऑफ मैंडमस के अकॉर्डिंग ये प्रे की गई थी कि टू रिस्ट्रेन द इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नर आर द गवर्नमेंट इन दफेयर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली एंड रिस्टोर द कॉन्स्टिट्यूंट असेम्बली मेरिट ऑफ मैंडमेंस के तहत ये प्रे की गई थी कि गवर्नर या गवर्नमेंट को जो कॉन्स्टिट्यूंट असेम्बली है इसके मामलत में मदाखलत करने से रोका जाए और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली को दोबारा रिस्टोर किया जाए इसके बाद दूसरी जो रिट थी क्यू वारंटो तो, अंडर वट अथॉरिटी जैसे नाम से ही जाहिर है इसका मकसद ये था कि न्यू असम्बली वर्किंग अंडर वट अथॉरिटी के जो नई बनने वाली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो किस अथॉरिटी के तहत काम कर रही है अब डियर स्टूडेंट्स डिसीजन ऑफ सिंध चीफ कोर्ट को अगर हम देखें तो फुल बेंच ऑफ सिंध चीफ कोर्ट डिसाइडेड यूनसली दैट गवर्नर जनरल है नो पावर टू डिज़ोल्व दान्स्टिट असम्बली अब गवर्नर जनरल के पास इख्तियार ही नहीं है कि वह असम्बली बर्खास्त कर सके असम्बली को बर्खास्त करने के लिए असम्बली के टू थर्ड मेजॉरिटी की ज़रूरत है असम्बली को डिज़ोल्व करने के लिए इसके अलावा गवर्नर जनरल के पास कोई इख्तियार नहीं है ये डिसीजन था सिंध चीफ कोर्ट का एंड द सेकंडली सिंध चीफ कोर्ट वैलिडेट द अमेंडमेंट्स जो वज़ी अजम गुला मोहम्मद अली बोगरा साहब ने जो अमेंडमेंट्स की थी उसको वैलिडेट किया कि वो तरामीम जो थी वो दुरुस्त थी और गवर्नर जनरल की असेंट जो है वो ज़रूरी ना थी डियर स्टूडेंट्स अब फेडरेशन ये केस यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ बल्कि अब फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान और दूसरे मिनिस्टर्स जो सिंध चीफ कोर्ट के डिसीजन से इफेक्ट थे एक अपील दायर करते हैं फेडरल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसको चैलेंज किया जाता है डियर स्टूडेंट्स एक्चुअली अब जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है इसको उस वक्त फेडरल कोर्ट कहा जाता था ये लास्ट एपिलट कोर्ट थी डियर स्टूडेंट्स हम जो फेडरल कोर्ट के अगर डिसीजन को देखें तो फेडरल कोर्ट ने जो डिसीजन था सिंध चीफ कोर्ट का उसको कालिदम करार दिया एंड द नेक्स्ट डिसाइड किया गवर्नर जनरल इज अ पार्ट ऑफ लेजिस्चर देयर फोर एवरी एक्ट पास बाई द कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली रिक्वायर्ड असेंट ऑफ गवर्नर जनरल डियर स्टूडेंट्स एक्चुअली फेडरल कोर्ट ने ये कहा कि जो अमेंडमेंट वजीरजम मोहम्मद अली बोगरा ने की थी उन पर गवर्नर जनरल की असेंट जरूरी थी और फेडरल कोर्ट के फैसले के मुताबिक वो दोनों तरामीम जो थीं वो वाइड करॉर पाई क्योंकि उस पर गवर्नर जनरल ने असेंट नहीं दी थी सिग्नेचर नहीं किए थे और दूसरी बात फेडरल कोर्ट ने सिंध चीफ़ कोर्ट का फ़ैसला जो था वो कालिदम करार दिया डियर स्टूडेंट्स मैंने कोशिश की है कि ये जो फर्स्ट कॉन्स्टिटेंट हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल केस था कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में इसको बड़े अच्छे तरीके से आपके सामने इसको एक्सप्लेन किया है उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे अगर इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़